आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ में पीएससी बल का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएससी के सभी जवानों को दी शुभकामनाएं। लखनऊ में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने की है सारी हदें पार, बिलावल भुट्टो का फूका गया पुतला। लखनऊ में सिंगर अंकित तिवारी पहुंचे फिनिक्स पलासियो मॉल, बेशर्म गाने के कंट्रोवर्सी पर बोले अंकित तिवारी। औरैया में अस्पताल में बने परिसर में अवैध कब्जा, सरकार की सुविधाओं पर लगाया पलीता। अलीगढ़ में मजदूरों से भरी लिफ्ट, भरकर गिरी, एक की मौत, चार घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। पूरे देश में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जिसके चलते लोग जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में कई जिलों में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और भाजपा द्वारा पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की है। बता दें कि इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी की गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान से माफी मांगने की बात भी कही। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बांदा, फरीदाबाद, अलीगढ़ और हरदोई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है और बिलावल भुट्टो से माफी मांगने की बात भी कही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिलावल भुट्टो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ के अटल चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का कहना है कि बिलावल भुट्टो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगे और उसके साथ ही पूरे देश की जनता से भी माफ़ी मांगे। इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ पे भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक हैं। बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ काफ़ी अपमानजनक बातों का इस्तेमाल किया, काफ़ी अमर्यादित टिप्पणी की, जिसपे जो है आज उनका पुतला जो है अटल चौक पर फूका गया। हमारे साथ कुछ महिला कार्यकर्ताएं भी हैं भारतीय जनता पार्टी की, इनसे आज बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। बिलावल भुट्टो ने काफ़ी अमर्यादित बयान दिया है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि उन्होंने अमर्यादित बयान दिया है, जिससे हमारी आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे भीड़ जमा हुई है और उसी का, बिलावल भुट्टो जी का ही पुतला बना के यहाँ फूंका गया है, प्रदर्शन की गई है और उसी के नारे लग रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से माफ़ी मांगे और ये हमारे भारत के लिए उन्होंने जो ये बदतमीजी की है, इसके लिए हम लोग पूरी जोर तोर से इनको बोल रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप किस प्रकार से देखते हैं बिलावल भुट्टो की इस टिप्पणी को? हम सब तो किसी भी तरह से माफ़ी वो प्रधानमंत्री से जरूर मांगेंगे, लेकिन पूरे उन्हें पूरे हिंदुस्तान से माफ़ी मांगना होगा। पूरे देश का एक एक बच्चा, एक एक महिला, एक एक पुरुष सब प्रधानमंत्री जी के साथ में है और हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का या हमारे देश का कोई विदेशी नागरिक, कोई विदेशी कोई भी प्रधानमंत्री हो या चाहे जो भी आम जनता भी, मेरे देश का अपमान नहीं कर सकती, इसको हम लोग कतई सहन करने की स्थिति में नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताएं भी आ गई हैं और वो विदेश मंत्री जो पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो को उनसे सीधे प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगने को कहा है और यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी के अलावा जो है उनको पूरे देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरा देश का अपमान किया है। सिर्फ देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, पूरे देश का अपमान किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की अपनी एक गरिमा होती है, वो किसी एक व्यक्ति का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। कैमरामैन विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। पाकिस्तान के विदेश मामलों के मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के प्रधानमंत्री पर बेहद ही अपमानजनक और अमर्यादित टिप्पणी की है। आज भारतीय जनता पार्टी अटल चौक पे बिलावल भुट्टो का पुतला
पुतला फूंक के इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं विधायक डॉक्टर नीरज बोरा। सर, बिलावल भुट्टो ने अपमानजनक टिप्पणी की प्रधानमंत्री पे की है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये बिलावल भुट्टो के संस्कार हैं। पाकिस्तान के जो संस्कार ही हैं वो आतंकवाद की नर्सरी है, आतंकवाद को परोसता है, दुनिया में आतंकवादियों को भेजता है और ये काम पुराने समय से करता आया है। आज सारी दुनिया में वो नंगा हो चुका है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री का जो अमर्यादित शब्दों का उसने प्रयोग किया है उसकी भर्त्सना करते हैं। 135 करोड़ लोग भारतवासी आज नाराज हैं, क्रोधित हैं और चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो माफ़ी मांगें देश के प्रधानमंत्री से, भारत के 135 करोड़ लोगों से, और ये तत्काल होना चाहिए क्योंकि यह क्रोध हमारा थमने वाला नहीं है। क्योंकि जो आतंकवाद को परोसने का काम बिलावल भुट्टो और उनकी सरकार कर रही है उसे कतई आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, चाहे एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कई सर्जिकल स्ट्राइक जरूरत पड़ी तो करेगा भारत। कांग्रेस के जो प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे हैं उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से खदेड़ दिया था, लेकिन यूपी सरकार के मंत्री जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को निवेशक के रूप में बुला रहे हैं उत्तर प्रदेश में ताकि वो उत्तर प्रदेश को लूट सके। यह नकुल दुबे जी का जो कथन है, अब मुझे तो समझ में नहीं आता उनका नेतृत्व भी किस तरीके की बातें कर रहा है। कल से आपके चैनल तमाम दिखा रहे हैं कि चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर जगह कब्जा कर ली, वो कौन सी जगह है जरा वो बताएं। जहां उनके नेतृत्व खुद भी सशंकित हैं, उनको खुद ही नहीं मालूम है, तो वहां के नेताओं के किसी भी कथन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके सब कथन ऐसे ही होते हैं और यही कारण है कि देश की जनता उन्हें बार बार जवाब दे रही है, देश की जनता ने उन्हें खदेड़ दिया, अब वो किसे खदेड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नीरज बोरा जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिलावल भुट्टो माफ़ी मांगे, ऐसी जो बातें हैं ऐसी भाषा जो है देश के प्रधानमंत्री के प्रति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरामैन विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक सुरेश चंद तिवारी मौजूद है। सर, बिलावल भुट्टो ने बेहद ही अमर्यादित बयान दिया है प्रधानमंत्री के लिए। मैं पाकिस्तान से मांग करता हूं कि अपने इस निंदनीय बयान के लिए माफी मांगें। आज पूरे भारत की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। अगर पाकिस्तान माफी नहीं मांगता तो पाकिस्तान को इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज आएगा? नहीं, वह कभी बाज नहीं। पाकिस्तान के लिए तो वही कहावत है, सौ सौ जूता खाए तमाशा घुस घुस देखे। 2500 बार मारा गया, रोज पीटा जाता है, रोज मारा जाता है, लेकिन अपनी हरकत से बाज नहीं आता। भारत माता की जय। हमारे साथ बातचीत करने के लिए और भी लोग मौजूद हैं, हम सबसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे। सर, क्या इस बयान को किस तरह से देखते हैं आप? मैं सुधीर कुमार मिश्रा, पार्षद आलमबाग। मैं इस बयान को इस रूप में देखता हूं, पाकिस्तान में जैसे हमारे देश में एक पप्पू है, वैसे मुझे लगता है उससे बड़ा वाला पप्पू पाकिस्तान में है। अब इससे ज़्यादा बयान कुछ नहीं दे सकता मैं, इससे आप लोग सब समझदार हैं, समझ सकते हैं पप्पू कौन है और कैसा है। मुर्दाबाद। सर, आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला भी फूंका गया बिलावल भुट्टो का। बिलावल भुट्टो ने जो ये बयान दिया है भारत के प्रधानमंत्री के पद में, ऐसा निंदनीय बयान जो है उनको तत्काल माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो भारत की जनता, भारत की भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज सड़क पे उतर के इसका प्रदर्शन कर रहा है और इसका परिणाम पाकिस्तान को भोगना पड़ेगा, हर हाल में भोगना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके में रसिक टावर अपार्टमेंट में मजदूरों से भरी लिफ्ट अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसमें सवार एक मजदूर की मौत हो गई है और अन्य चार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही घायलों को उपचार के लिए JN मेडिकल में भर्ती करा दिया गया है जहाँ उनका इलाज जारी है। हम खाली काम करते हैं तो ऐसी वो थोड़ी है कि उसमें बेल्ट पाने चलेंगे या ऊपर बाल पर काम तो नहीं कर रहे, जो ऊपर ऊपर काम कर रहा है ना जो है। नहीं, लिफ्ट में जाते समय तो पहनना चाहिए, जब आप नहीं पहनते हैं लिफ्ट में था उसमें रहता है, जब उसमें सामान लेकर ऊपर जा रहे थे तो उसकी जो रस्सी है उसकी वो रस्सी टूटने को नीचे आई डोली, उसमें डोली में थी और
के नीचे आने पर उनकी चोट लगी। रसिक टावर हरद्वागंज से पुलिस को एक लिफ्ट के गिरने की सूचना प्राप्त हुई। लिफ्ट में 5 मजदूर थे जो घायल हो गए, जिनमें एक की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक एक्शन में नजर आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके ही विभाग के कुछ कर्मचारी अव्यवस्थाओं को कमजोर बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते। उत्तर प्रदेश सरकार के ग्रामीण क्षेत्र में आयुष्मान हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें एक डॉक्टर, नर्स और स्टाफ की नियुक्ति की गई, जिससे कि ग्रामीणों को बेहतर इलाज मिल सके। आपको बता दें कि औरैया अस्पताल परिसर में बने आवासों में एक स्वास्थ्य कर्मचारी, जो कि जनपद के 100 शैया अस्पताल में तैनात है, लेकिन आवास पर अपना कब्जा जमाए हुए है। जबकि वह आवास अस्पताल में तैनात डॉक्टर विकास गुप्ता को मिलना चाहिए था, लेकिन कब्जाधारी कर्मचारी की हठधर्मिता के कारण स्वास्थ्य विभाग उसके आगे नतमस्तक दिख रहा है। उन्होंने बताया कि इस परिसर का उसने HRA भी सरकार द्वारा लिया जाता है, जिससे बाद भी उन्हें अभी तक आवास नहीं मिल सका है। फिलहाल अस्पताल में बने परिसर अवैध कब्जे के शिकार हो गए हैं और सरकार की सुविधाओं पर पलीता लगा रहे हैं, जिसमें परेशानी का सामना केवल जनता को करना पड़ रहा है। कौन कौन रहता है यहाँ पे? यहाँ पे देखा ना, राधा जो नर्स है, हाँ, वो रहती है, और एक एक डॉक्टर साहब हैं, वो कौन है अंसारी, वो लखना जाते हैं, यहाँ तैनात नहीं है, समाधान के वो यहाँ अस्पताल में तैनात नहीं है, इस अस्पताल में यहाँ पे नहीं ड्यूटी नहीं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा चलने भी, मैं भी असमर्थ हैं विकास गुप्ता जी, क्या थोड़ा सा वैसे? हाँ हाँ, उनको विकलांग। सरफराज अंसारी नामक एक स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी, हाँ, यहाँ पर पिछले 1.5 साल से इस आवास में रह रहे हैं, और अधीक्षक साहब के कई बार बोलने पर भी वो इस आवास को खाली नहीं कर रहे हैं, तो हमें मजबूरी है कि हम बाहर से आते हैं, वो इसको अगर खाली कर दें तो हम यहीं पर ही आवाज करना चाहते हैं। आपने लिखित रूप से किसको शिकायत की? लिखित रूप से अधीक्षक साहब हरियाणा के, उनको कर दी गई है। अच्छा। और उन्होंने ये लेटर दिया भी है इनको, इसको रिक्त करने का। गोंडा में देश को आजादी दिलाने वाले शहीद राजेंद्र नाथ लहड़ी का बलिदान दिवस मनाया गया। देश के वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सलामी और सम्मान देने के लिए जिला जज, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जेल अधीक्षक सहित समस्त अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें इसके बाद हवन का आयोजन किया गया और पुलिस के साथ सलामी दी गई। इसके बाद प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया, साथ ही राष्ट्रगान पेश किया गया। इस बलिदान दिवस के अवसर पर स्थानीय अवकाश होता है, जिसमें लोगों ने स्कूल में उत्सव का माहौल रखता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ये जो दिवस है काकोरी दिवस, वो हम लोग 5 दिन के लिए मना रहे हैं। 5 दिवसीय कार्यक्रम 15 से 19 तक के होते हैं। आज 17 दिसंबर को ये पारंपरिक कार्यक्रम है जो जिला जेल गोंडा में हर साल मनाया जाता है। यहाँ पर अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को फांसी हुई थी, उन्होंने शहादत प्राप्त की थी, उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम होता है। हरदोई में चलती ट्रेन में गर्भवती महिला ने शिशु को जन्म दिया है। आपको बता दें कि गर्भवती महिला की ट्रेन में प्रसव पीड़ा होने लगी। महिला के साथ यात्रा कर रहे उसके पति ने GRP को महिला के प्रसव पीड़ा होने की जानकारी दी। ट्रेन के पहुंचने तक गर्भवती महिला ने शिशु को जन्म दे दिया था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची GRP के कांस्टेबल इमरान खान और एक महिला आरक्षी ने बच्चे को गोद में लेकर एम्बुलेंस में सहायता के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहाँ जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। अलीगढ़ में 3 महीने की गर्भवती विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। बता दें कि मायके पक्ष ने हत्या के आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया है, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गई। सर, इसको फांसी लगा के मार दिया? किसने मारा है, कैसे? इसके सास, ससुर और जेठ है और एक उसका पति है। हाँ, तो क्या वजह क्या? सर, वजह तो कुछ भी नहीं थी, वजह ये थी कि मतलब रात को तो लड़की के माँ बाप उसके पास गए, जो हमारे माँ बाप हैं, लड़की के पास गए थे, रात 9 बजे वहाँ से आए और सुबह वहाँ से खबर आई है उनके पीछे पीछे कि लड़की ने फांसी लगा ली। खबर सुल्तानपुर से, जहां सदर तहसील परिसर में भाजपा विधायक
एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने गरीबों को लगभग 200 कंबलों का वितरण किया है, जिसके बाद ठंड से बचाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार एटीबद्ध कंबल पाने के बाद पात्रों के आभार व्यक्त किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि हर गरीब निराश्रित के लिए कंबल के साथ रैन बसेरे की भी व्यवस्था की जाएगी। ठंड को लेके आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने प्रशासन को और हम सबको हिदायत दी है कि कोई भी गरीब आदमी जिसकी क्षमता न हो खरीदने की, हर व्यक्ति तक कंबल पहुंचाया जाए। इसके लिए हमारे SDM साहब ने यहाँ से आज शुरुआत कर दी है और ये भी कहा है कि साहब आप ब्लॉक पे जाके या कोई सरकारी स्कूल कॉलेज हो वहाँ से कोशिश किया जाए कि गरीब तक ये कंबल पहुँच जाए। बांदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि रोडवेज बस में सड़क किनारे खड़े एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को शांत करा दिया। कानपुर की बस का वेट कर रहे थे हम लोग, तो बस आई बहुत ज्यादा स्पीड में थी, तो हमने हाथ दिया तो बस ने रोका नहीं, तो हम थोड़ा पीछे हटे क्योंकि हमारे एकदम पास से क्रॉस हुई। अच्छा। और आगे हमारे दो भैया थे जो मसाला उठा रहे थे, घर बन रहा है। अच्छा। वो लोग पीछे हटे, वो भी बचे और आगे जाके गिट्टी पड़ी थी उसमें चढ़ाया और गिट्टी के आगे जो भैया की डेथ हो गई, ये भैया आगे खड़े थे। यानी वो मजदूरी कर रहे थे क्या वहाँ पर? नहीं, अपनी बहन को छोड़ने आए थे बस में बिठाने, बोरी लिए थे, बहन को छोड़ने बिठाने आए थे कहीं जा रही थी उनकी बहन, ठीक है। अच्छा, अच्छा। तो उनके मार के और बस चली गई, हमें लगा कुछ आवाज आई, हमें दिखा नहीं, हम धूल उड़ गई थी बहुत ज्यादा, हमें लगा बस पलट गई, तो बचा के ले गया, हम जैसे ही आगे गए तो गिट्टी के आगे वो पड़े थे। थाना कुतवाली देहात क्षेत्र ग्राम लामा के अंतर्गत एक एक्सीडेंट रोडवेज बस से एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मौके पर ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तत्काल बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मेडिकल कॉलेज भेजा गया, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। दक्षिण से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा आगरा पहुंच गई है। ये यात्रा युवाओं और आम जन को जगाने का काम कर रही है। भाजपा की समाज को तोड़ने वाली राजनीति को अब जनता समझ चुकी है। आज पूरा देश महंगाई से त्रस्त है, आम आदमी की कमर टूट चुकी है, लेकिन भाजपा मौन है। यह कहना है योगेश दीक्षित का, जो कि आगरा में अपने नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के साथ आगरा पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि लोगों को जगाने के लिए आयोजित की गई है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा से निश्चित रूप से 2024 के परिणाम देश की दिशा बदलने का काम करेंगे। इस क्रम में प्राइम टीवी से योगेश दीक्षित ने खास बातचीत की। भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में राहुल जी जिस मिशन को लेकर निकले हैं, आज देश की एकता अखंडता को जो भारतीय जनता पार्टी ने खंडित करने का काम किया है, उसको जोड़कर और लेकर गरीब मजदूर असहाय लोगों को साथ लेकर इस यात्रा का मकसद है सिर्फ गरीब मजदूर असहाय लोगों तक पहुंचना और उन लोगों की मदद करना, क्योंकि इस देश के हालात भारतीय जनता पार्टी ने इस कदर कर दिए हैं कि लोग परेशान हैं, हताश हैं, निताश हैं, लोग बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार है, लोगों की तराई तराई मची हुई है, महंगाई चरम सीमा पे, को लेकर राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा को लेकर चल रहे हैं और पूरे देश में जो जन समर्थन आज राहुल जी को मिल रहा है वो देखने लायक है। पूर्व राष्ट्रीय गवर्नर, हमारे RBI के गवर्नर रघुराम राजन जी ने यात्रा को ज्वाइन किया, तमाम ऐसी देश की हस्तियां हैं जो राहुल जी को ज्वाइन कर रहे हैं और उस यात्रा को ज्वाइन कर रहे हैं। ये मकसद बहुत बड़ा है, इसका मकसद ना चुनाव जीतना है, ना इसका मकसद कोई वो है, इसका मकसद है सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, आगरा पहुंची है, हमारे साथ ब्रांच अध्यक्ष मौजूद हैं योगेश दीक्षित। हेलो भाई, आप सब लोग चले जाएंगे? हाँ सर, भारत जोड़ो यात्रा आज आगरा से निकल रही है, क्या कहेंगे? मैं फिर दोबारा फिर कह रहा हूँ आपसे, उत्तर प्रदेश के अंदर जो यात्रा चल रही है वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही है और हमारे 6 के 6 प्रांतीय अध्यक्ष सब लोगों को एक मंच पर लाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हम काफ़ी सफल नजर आ रहे हैं। काफ़ी वर्षों से सभी लोगों को अलग अलग वर्गों में जो बांट रखा था, आज देखिए हमारे संग जाहिद भाई बैठे हुए हैं, आज हमारे पास खान साहब बैठे हुए हैं, ये सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसीलिए बैठे हुए हैं, हम सब लोग एक मंच पर आएँ
और इस प्रदेश को और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। सर, भारत जोड़ो यात्रा को लगभग 100 दिन हो चुका है जो राहुल गांधी के नेतृत्व में चली आ रही है, लेकिन तमाम राज्यों में चुनाव हुए, इसके परिणाम आपने देखे कि कांग्रेस काफी हद तक नीचे रही है। आप असफल हो गए इस यात्रा को समझने में। इसका नाम है भारत जोड़ो, इसका चुनाव लड़ो नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा। थैंक यू। देखा आपने, ये हमारे साथ ब्रज प्रांत अध्यक्ष मौजूद है योगेश दीक्षित, जो साफ तौर से कह रहा है भारत जोड़ो यात्रा एक भारत के जोड़ने की यात्रा है। आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और वरिष्ठ पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा से एक युवाओं में उत्साह भरने का काम भी कर रहे हैं। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी, आगरा। लखनऊ में महानगर के पास पीएसी बल के 75वें स्थापना दिवस पर पीएसी बटालियन परिसर में होने वाले आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। कार्यक्रम में डीजीपी डीएस चौहान, एडीजी पीएसी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान में कहा कि पीएसी बल में 74 वर्ष की यात्रा पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखा है। आपको बता दें कि पीएसी बल अपने शौर्य बल के लिए जाना जाता है। सीएम योगी ने कहा कि बेहतर आवासीय बैरक बनाने का कार्य चल रहा है। वहीं पीएसी के सभी जवानों और उनके परिजनों को सीएम योगी ने ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। लखनऊ में पीएसी का 74वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। लखनऊ के महानगर में 35 पीएसी बटालियन के परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। उनके अलावा डीजीपी एससी चौहान और एडीजी पीएसी भी शामिल रहे। अलग अलग पीएसी वाहिनियों के सेनानायक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पीएसी जवानों ने अपनी प्रदर्शनी दिखाई, अपनी कराबाजी दिखाई और अपनी प्रदर्शनी से सभी का मन मोह लिया था। सभी को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएसी जवान हमेशा साहसपूर्ण और वीरतापूर्ण कारनामे करते रहते हैं। देश की संसद में जब हमला हुआ था तो उस समय पीएसी के जवानों ने अपने अभूतपूर्व वीरता प्रदर्शन से देश की संसद को क्षति होने से बचाया था। यहाँ तक कि जब राम मंदिर पर आतंकवादियों का हमला हुआ था तो उनके मंसूबे पे पानी फेंक कर अपने वीरता से आतंकियों के मंसूबों को पानी फेर दिया था। मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। झूठ नहीं पाएगी।